हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कार्डियो KD3810N का, जो कि डिजिटल वॉच है, इसमें हम लोग टाइम, डेट, ईयर और डे, ये सब हम लोग कैसे इसमें सेट करेंगे, इसके बारे में आज का वीडियो है। तो ये आप घड़ी दीवार से आप उतार लीजिए, फिर इसमें आप पीछे की तरफ देखेंगे, इसमें आपको पांच स्विच आपको दिख रहे होंगे। ये पांच बटन है, पहला बटन है मोड का, सेकेंड है अप का, थर्ड है डाउन का, फोर्थ है टेम्परेचर का, फिर स्नूज का, फिर रीसेट का। तो इसमें आपको ये सब जो रीसेट करना है टाइम वगैरह, इसके लिए आप क्या करिए, पहले ये रीसेट बटन को आप पुश कर दीजिए, इसमें एक ये साउंड आएगा और यहाँ टाइम देखिए चेंज हो गया है, रीसेट होने के लिए हो गया है। इसके बाद रीसेट को हम फिर से प्रेस कर देंगे और अब जो भी हमको रीसेट करना है वो इन्हीं तीन स्विच से काम चल जाएगा, पहला मोड, फिर अप, फिर डाउन। तो रीसेट करने के लिए एक बार हमने रीसेट बटन दबा रखा था, अब हम मोड स्विच को प्रेस करेंगे 5 से 7 सेकंड के लिए, और जब इसको प्रेस करेंगे कंटिन्यू, तो यहाँ स्क्रीन पे देखिए ये ब्लिंक करने लगेगा। अब ये हमारा ये आवर वाला इस समय ब्लिंक कर रहा है, और इसको हम अप और डाउन जो पीछे पुश बटन थे उससे हम प्रेस करके इसको चेंज कर देंगे। जैसे इस समय हम ये डाउन वाला प्रेस कर रहे हैं तो देखिए टाइम डाउन हो रहा है, इस समय हमारी घड़ी में 10:20 हुआ है, तो इसको हम सेट कर देंगे। जब ये 10 आया तो फिर से एक बार मोड स्विच को प्रेस करेंगे जिससे हम मिनट पे पहुंच जाएंगे, और फिर से अप वाले को पुश करते हुए इसको हम 20 तक ले जाएंगे। ये देखिए 20 आ गया, फिर से हम मोड स्विच को प्रेस करेंगे और उसके बाद ये जो अब ब्लिंक कर रहा है ये एक्चुअल में ईयर दिखा रहा है, यानी 2008 ईयर है और इस समय चल रहा है 2023। तो फिर से हम अब बटन को दबाकर इसको 2023 तक लाएंगे। अगर हमने ईयर को नहीं चेंज किया तो नीचे जो डे है वो हमारा सेट नहीं हो पाएगा, तो ये डे के लिए हमको ईयर सेट करना पड़ता है। फिर से मोड स्विच दबाया, जब 2023 आ गया तो हमारा देखिए मंथ के नीचे वाला ब्लिंक करने लगा। अब इसको अप से, चूंकि ये अक्टूबर मंथ चल रहा है, तो इसको 10 पे ले जाएंगे और फिर मोड को जब हम प्रेस करेंगे तब डेट वाला ब्लिंक करने लगेगा। ये देखिए डेट वाला ब्लिंक करने लगा, अब 21 डेट है, तो इसको अप वाले पुश बटन से इसको 21 तक ले जाएंगे और बगल में देखिए डे चेंज होता रह रहा है डेट के हिसाब से। जब ये हम 21 पे गए, आज सैटरडे, देखिए सैटरडे भी आ गया और ये जब सब सेट हो गया है तो अब हमको एक बार मोड स्विच को प्रेस करना है और उसके बाद कंटिन्यू मोड को प्रेस किए रखना है 5 सेकंड तक। जब हम कंटिन्यू इसको प्रेस किए रहेंगे तो ये देखिए हमारा टाइम सेट हो गया। तो इस तरह हम लोग कैडियो KD3810N में टाइम हम रीसेट कर सकते हैं। थैंक यू।